अब आपको बताएं कि डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में नामजद तीन मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशी टीम मुतहरिक हो गई है। कत्ल के मुलजिमान मोहम्मद अनवर, इफ्तखार हुसैन और काशिफ खान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशी टीम की कराची फेडरल ऑफिस से राब्ता कर लिया है। मुलजिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी तामीर के लिए कराची फील्ड ऑफिस अरसाल कर दिए गए हैं। मजीद बात करते हैं इस पर अपने नुमाइंदे जमीर चौधरी से। जी जमीर चौधरी, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल को जो कि बैन अल्कामी नौयत का केस है जिसका मुकदमा पाकिस्तान में दर्ज है जिसमें तीन मुलजम गिरफ्तार भी हैं, इस हवाले से अहम पेशकश ये हुई है कि जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी तीन मुलजमों के हासिल किए गए थे उनकी गिरफ्तारी की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए जो है वो FIA की तफ्तीशी टीम ने कराची के फील्ड ऑफिस से रब्ता किया है और ये जो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं वो बाकायदा फील्ड ऑफिस भिजवा दिए गए हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि जो इसमें अल्ताफ हुसैन के करीबी रिश्तेदार हैं मुलजम इफ्तखार हुसैन, उनके वारंट गिरफ्तारी की तामील जो है वो MQM के मरकज 90 से करवाई जाएगी क्योंकि उनका जो रहायशी पता है वो 90 लिखा गया है। इसके अलावा मुलजम काशिफ खान कामरान की लांडी जबकि मोहम्मद अनवर की तामील जो है वो गुलशन कराची के पते पर जो है वो रहायशी पते पर करवाई जाएगी और इस हवाले से वहां पर इनके जो मुतल्लिका एड्रेसेज हैं फील्ड ऑफिस कराची FIA का वो छापे भी मारेगा और एक हफ्ते में ये तामीली रिपोर्ट मुकम्मल की जाएगी। इसके बाद ये मुलजमों को इख्तियारी करार देने के लिए जो है वो अदालत से रजू किया जाएगा और मुलजम मोहम्मद अनवर और इफ्तखार हुसैन की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा तौर पर इंटरपोल से रब्ता भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी।